प्रस्तुत वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10 के वे विद्यार्थी जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, टर्म 1 की परीक्षा जो कि नवंबर दिसंबर में है, हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, आपकी जो परीक्षा है वह 9 दिसंबर को होगी। 11:30 से 1 बजे तक की यह परीक्षा होगी और सर्दियों के कारण सुबह 11:30 बजे से यह समय रखा गया है भारत में जो रह रहे हैं उन छात्रों के लिए। और सीबीएसई की टर्म 1 की परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे और आपको उत्तर लिखने के लिए जो शीट दी जाएगी वह ओएमआर शीट होगी। और यह शीट किस प्रकार की होगी इसका एक नमूना सीबीएसई ने जारी किया है जिसे मैं आज यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो मुख्य बात है वह यह कि केवल नीली या काली इंक वाले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग आप इस आंसर शीट में करेंगे, पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर के साथ आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी और इसमें आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा, अंकों में, फिर शब्दों में, फिर किस तारीख को और किस दिन को आपकी परीक्षा हो रही है वह भी भरनी है यहाँ पर, और एग्जाम सेंटर जहाँ आप एग्जाम दे रहे हैं उसका कोड और उसका नाम भी भरना है, फिर सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नाम, फिर परीक्षार्थी का नाम जो परीक्षा दे रहा है और उसके पिता का नाम, और यहाँ पर विद्यालय जिस विद्यालय से वह बच्चा है, छात्र है, उसका स्कूल कोड और स्कूल का नाम ये भरना है। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का कोड है और ये दिखाया गया है कि आप सर्कल किस तरह से भरेंगे। ये जो है वो करेक्ट मेथड है, पूरा सर्कल भरना है, और ये जो है वो आधे अधूरे, कहीं पे वाइट छूटा हुआ है, कहीं पे इस तरह से इनकम्प्लीट फिल किया है, या कहीं पे किसी ने क्रॉस लगा दिया या कहीं पे टिक मार्क लगा दिया, तो ये सारे जो है वो रॉन्ग मेथड है, इसको अप्लाई नहीं करना, सिर्फ यही सही मेथड है। अब देखते हैं यहाँ जो स्पेशल एक बात है वो ये है कि ये चार विकल्पों के गोलों के अलावा, सर्कल्स के अलावा सीबीएसई ने एक बॉक्स भी दिया है, और ये जो सर्कल्स हैं ये तो रिस्पांस के लिए हैं, आपको जो सही रिस्पांस लगता है क्वेश्चन एक का, आपको लगता है बी रिस्पांस सही है तो आप बी को सर्कल को डार्क कर दीजिए और फिर यहाँ पर आंसर भी लिखिए कि बी। सबसे अच्छा है कि आप पहले सारे सर्कल्स अपने जो आंसर्स हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर इन बॉक्सेस को भरिए, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये डाउट होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मैंने कर तो दिया अटेम्प्ट, अब पता नहीं इसका सही है नहीं है, आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये ए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सर्कल कर दिया था, मार्क कर दिया था, लेकिन मुझे तो लगता है ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा, तो उसके लिए है कि यहां पर आप आंसर डी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं तो जैसे सपोज यहां पे आपको लगता है कि बी इसका आंसर सही है तो फिर यहां आंसर में आप बी लिखिएगा। कहने का मतलब है कि जो आंसर, जो भी आंसर आपका फाइनल होगा वो इस कॉलम में होगा और साथ ही साथ ये सर्कल भी आप भरेंगे जो भी आपके आंसर के लिए आपने विकल्प चुने हैं। तो इस तरह से आपको ये ओएमआर शीट मिलेगी। और हाँ, एक बात और है कि डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, अगर कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता और आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ जैसे ये दिया गया है, प्रश्न संख्या यहाँ भी दी गई है और यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से हैशटैग का मार्क लगाया हुआ है, तो ये जो है जैसे सपोज 4 नंबर मुझे नहीं आता, तो ये 4 जो नंबर है सर्कल है, 4 नंबर का सर्कल, क्योंकि मेरे को ये अटेम्प्ट नहीं करना, मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए 4 नंबर का जो सर्कल है यहाँ पर राइट साइड पर इसको मैं फिल कर दूंगी। तो इस तरह से 4 नंबर में हमने अटेम्प्ट नहीं किया इसको, तो ये इसका सूचक है। तो इस तरह से ये आपकी ओएमआर शीट का एक सैंपल है। और हाँ, यहां पर एक और चीज दी है, यहां पे लिखा है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको अपनी हैंडराइटिंग में यहां पर सेम लिखना है, इसी को कॉपी करके सेम लिखना है, फिर यहां पर सिग्नेचर आपको रनिंग हैंड में करने हैं। आशा करती हूँ ओएमआर शीट में आंसर्स किस तरह से भरेंगे और किस तरह की यह शीट होगी इसके बारे में अब आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।